हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है विनोद सिंह रावत और आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और आज हम सीखेंगे कि गुडविल क्या होती है और इसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो गुडविल क्या होती है? आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स होती है, यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स होती है। लेकिन इसको क्यों, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है, तो वो हम सीखेंगे इसके क्या क्या मेथड है। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि गुडविल आखिर होती क्या है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं यहाँ पर किसी फोन को प्रमोट नहीं कर रहा, पर देखो जैसे कि आपको पता आईफोन है, ठीक है, आईफोन की जो कॉस्ट है वो बाकी के दूसरे काफी फोनों से उसकी कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होती है। ठीक है, इवन कुछ स्पेशल स्पेसिफिकेशन वाले जो आईफोन है उनकी कीमत लाख रुपए से भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्या उसको बनाने में, एक फोन को बनाने में इतनी कॉस्ट आई है, 1 लाख या 1 लाख से जितने भी हो ज्यादा है? नहीं, उसकी कॉस्ट काफी कम होती है, लेकिन वो जो कमा रहा है प्रॉफिट एक फोन पे, वो अपनी गुडविल की वजह से कमा रहा है। ठीक है, तो गुडविल ये होती है। गुडविल आप आज बिजनेस खोलोगे तो आज ही जनरेट नहीं हो जाएगी, गुडविल जनरेट होने के लिए काफी टाइम लगता है, बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ही बेटर सर्विस देनी पड़ती है, तब जाके किसी कंपनी का नेम, फेम और रेपुटेशन बनती है, वही उस फर्म की गुडविल होती है और वो उसी के बिहाफ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि गुडविल होती क्या है। अब बात ये आती है कि जो गुडविल है उसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, उसके क्या क्या मेथड्स हैं और गुडविल कैसे निकाली जाती है। तो गुडविल जो बेसिकली है, इसके मेथड 3 ही होते हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। मेन 3 ही मेथड होते हैं, लेकिन इनके भी पार्ट्स हैं। जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं आपके, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा वेटेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर कोई पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें भी 2 पार्ट हैं, बाय सुपर प्रॉफिट और बाई एवरेज प्रॉफिट। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 इतने टाइप्स हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। अब गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, पहले से समझ लेते हैं। मान लो दो पार्टनर बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, वो चला रहे हैं, ठीक है, और उन्हें काफी लॉस हो रहा है, 3-4 साल काफी लॉस हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, उन्होंने कुछ चेंजेस किए, फिर हार्ड वर्क किया, बहुत ज्यादा मेहनत की और बिजनेस को प्रॉफिट होना शुरू हो गया काफी ज्यादा, यानी उस बिजनेस ने अपनी एक रेपुटेशन बना ली और उसे प्रॉफिट होना शुरू हो गया काफी बड़ी मात्रा में। उसको देख के कोई उनका तीसरा फ्रेंड है, उसने कहा कि मैं भी आपका बिजनेस ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं भी इसका पार्टनर बन जाता हूँ। अब मान लो उन दो पार्टनर ने 2-2 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय, और वो कहता मैं भी 2 लाख लगाता हूं और मैं बिजनेस में आपका पार्टनर बन जाता हूँ, थर्ड पार्टनर, तो वो दो पार्टनर एग्री हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि काफी शुरुआत में काफी उन्हें लॉस हुआ था, काफी उन्होंने लॉस भी उठाया था और बाद में अब प्रॉफिट होना शुरू हो गया अच्छा खासा, तो वो थर्ड पार्टनर कहता मैं भी पार्टनर बन जाऊं, तो उसको शामिल कर लेंगे? ठीक है, नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन वो कहेंगे कि भाई हमने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए इतनी मेहनत की है, यानी कि उन्होंने जो गुडविल क्रिएट की है वो उस गुडविल में उससे हिस्सा मांगेंगे, बोलेंगे तुझे अपने कैपिटल तो लगाएगा ही, लेकिन जो हमने इतने टाइम में मेहनत करके गुडविल बनाई है उस गुडविल में भी तेरे को हिस्सा हमें देना पड़ेगा। तो इस वजह से गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, गुडविल को निकालना पड़ता है बिजनेस की, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, या फिर आप बिजनेस को बंद कर रहे हो, कोई दूसरा बिजनेस उस बिजनेस को एब्जॉर्ब करना चाहता है, लेना चाहता है, तो इन केसेस में गुडविल बहुत काम आती है। ठीक है, तो गुडविल की कैलकुलेशन या वैल्यूएशन करना हमें पड़ेगा।
बिजनेस की, ठीक है। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है? देखो, मान लो कोई बिजनेस है, वो किसी जगह हमने स्टार्ट किया, तो वहां पर वो 2 लाख रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन, यानी कि इतना प्रॉफिट कि उसके खर्चे निकल जा रहे हैं बस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ईगो में आपने पढ़ा होगा नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ बराबर ना लाभ ना हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन, यानी कि जितना भी हम कमा रहे हैं वो हमारे खर्चे वर्चे सब पूरे हो जा रहे हैं। तो हर बिजनेस क्या इसलिए चलता है कि वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाए? नहीं भाई, उसका ओनर बैठ रहा है, वो खुद भी मेहनत कर रहा है, तो वो चाहता है ना कि बिजनेस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, बिजनेस बड़ा हो और बड़ा हो, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट सोच के ही तो बिजनेस चलाया जाता है, चालू किया जाता है, ठीक है। तो जितना भी हम नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा का प्रॉफिट कमाते हैं वही हमारी गुडविल होती है। मान लो किसी मार्केट में कोई हमने बिजनेस चालू किया और 4 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, यानी कोई भी वहां पर अगर बिजनेस चालू करेगा तो 4 लाख तक वो प्रॉफिट कमा सकता है ईयरली, तो वो एक नॉर्मल प्रॉफिट की रेंज हो गई, ठीक है। अब अगर हमने मेहनत की और हमने नेक्स्ट ईयर से 6 लाख कमाने लगे, तो वो 2 लाख जो हमने एक्स्ट्रा कमाया वो हमारी क्या है? गुडविल, ठीक है। तो हर बिजनेस जो भी नॉन प्रॉफिट से एक्स्ट्रा कमाता है वो फिर यानी कि गुडविल, वो अमाउंट गुडविल की जाती है, यानी कि 6 लाख अगर हमने कमाया तो 4 लाख नॉन प्रॉफिट है, तो 2 लाख जो है वो हमारा गुडविल काउंट होगा, ठीक है। और इसमें गुडविल में ऐसा नहीं कि एक ही ईयर से कैलकुलेट करते हैं हम गुडविल को, हम इसके लिए कुछ ईयर फिक्स कर लेते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, इस टाइप से हम कुछ ईयर इसमें ले लेते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं जितना भी हम एक साल में एक्स्ट्रा कमाते हैं नॉन प्रॉफिट से ऊपर उससे, और हमारी गुडविल निकल जाती है, ठीक है। इसमें ज्यादा ईयर नहीं ले सकते हम, 10 साल 20 साल, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे 10 साल बाद बिजनेस की क्या कंडीशन होगी, तो हम इसमें कमी ईयर 1, 2, 3, 4, 5 तक ईयर इतने ले लेते हैं। वो क्वेश्चन आपको गिवन होता है कि कितने ईयर के हिसाब से आपको गुडविल निकालनी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जितना भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मान लो 4 लाख, और अगर हम उससे एक्स्ट्रा कमाते हैं तो ये हमारा गुडविल है, ठीक है। और अगर ये प्रॉफिट हम लगातार 4 साल तक कमा रहे हैं तो फिर हमारा गुडविल क्या होगा? 6 लाख टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल आ गए हमारे, ठीक है। तो जितना भी नॉन प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम कमाते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है? गुडविल, ठीक। तो अब इसमें जो मेथड्स हैं हम उनपे बात कर लेते हैं। इसमें एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक है कैपिटलाइजेशन मेथड, और एक है सिंपल एवरेज, एक है वेटेड एवरेज। अब हम बात करें जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड की, तो इसका फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि यही हमने टोटल 6 लाख कमाया और उसमें से हमने 6 लाख में से ये हमारा जो 6 लाख हमने कमाया ये हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इसमें से अगर हमने 4 लाख माइनस कर दिया तो कितना बचेगा? 2 लाख, तो ये जो 2 लाख हमारा बचा ये हमारा सुपर प्रॉफिट निकला। अब हमें अगर गुडविल निकालनी है तो गुडविल का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि जितने ईयर तक हम ये कमा सकते हैं। मान लो क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 ईयर परचेज, तो ये 2 हो गया और 4 हो गया, यानी कि 6 लाख हमारा गुडविल आ गया, ठीक है। एवरेज यानी कि टोटल 6 लाख हमने कमाया, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वहां पर 4 लाख है, तो यानी कि 2 लाख हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया, 2 लाख में हमने नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू की तो हमारी गुडविल निकल के आ गई, ठीक। तो इससे तो हम ऐसे निकालते हैं। अब बात करें एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट का जो मेथड होता है वो होता है
सबसे पहले इसमें निकालना पड़ता है आपको एवरेज प्रॉफिट। और ये कैसे आएगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ इयर्स, और उसके बाद सेकंड नंबर पे गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक। लेकिन अब आप कहेंगे कि यहां पर हमने गुडविल का फॉर्मूला लगाया सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और यहां पर हम गुडविल का लगा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये दोनों अलग अलग हो गए, तो ऐसा कैसे हो गया? देखो ऐसा होता है, कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारा नॉन प्रॉफिट जीरो होता है, ठीक है। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं कोचिंग दे रहा हूं, तो इस काम में मान लो मेरी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम लगती है, बहुत ही छोटी कॉस्ट लगती है, जीरो कॉस्ट बिजनेस एक टाइप से आप इसे कह सकते हो। तो यहां पर मैं जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं या जनरेट कर रहा हूं, तो वो सारा मेरा प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। तो इसमें नॉर्मल तो है ही नहीं, तो अगर मैं एवरेज मैंने नॉर्मल करूंगा तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो बात ये फार्मूला और ये फार्मूला तो एक ही हो गया, ठीक है। यानी कि मैं जितना भी इसमें कमा रहा हूं वो सारा मेरी गुडविल की वजह से ही मैं कमा रहा हूं, ठीक है। तो मेरा जितना भी प्रॉफिट है वो सारा प्रॉफिट मेरा नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही है, ठीक है। मुझे कोई खर्चा पे नहीं करना, हाँ थोड़ा बहुत खर्चा पे करना है, थोड़ी बहुत कॉस्ट मेरी है, ठीक है। मैं रेंट लेके भी, रेंट पे भी पढ़ा सकता हूँ या लाइटिंग का जो भी खर्चा मेरा, लेकिन फिर भी बहुत ही कम रहती है। जैसे और बिजनेस होते हैं उसमें काफी ज्यादा आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मेरा जितना भी यहां पर प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट, वो सारा का सारा मेरी गुडविल से आ रहा है, मेरा जो गुडविल है, मेरा जो नेम है उसकी वजह से आ रहा है। तो वो सब क्या है, एवरेज प्रॉफिट। और अगर मैं उसकी डायरेक्ट इनटू कर दूं नंबर ऑफ परचेज से, तो सीधा मेरे को मेरी गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी। अगर मुझे लगता है कि मैं एक साल में 4 लाख रुपए कमा रहा हूं और मैं ये लगातार 3 साल तक तो कमा ही सकता हूं, तो 4 लाख × 3 यानी कि 6 लाख रुपए मैंने कमाए 3 सालों में, तो टोटल मेरी गुडविल 3 ईयर में जो हो गई वो हो गई 6 लाख रुपए, ठीक है। सॉरी 4 लाख में कमा रहा हूं लगातार 3 सालों तक, तो 12 लाख मेरी गुडविल हो गई। ठीक है, एक साल में 4 लाख रुपए कमा रहा हूं और सारा का सारा जो मैं कमा रहा हूं ऑब्वियसली मेरी गुडविल की वजह से ही है, मेरे नेम की वजह से ही है, जो मुझे जानते हैं उस वजह से ही है। तो वो मेरा एवरेज प्रॉफिट हो गया और नंबर ऑफ ईयर परचेस मैं लगा, मुझे लगता है 3 साल तक मैं इतना कमा सकता हूं, उसके बाद की बात बाद में देखेंगे। तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई की तो 12 लाख जो मेरा है वो मेरी गुडविल आ गई, ठीक है। तो ये आप समझ गए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। इस मेथड की बाद हम आगे की वीडियोस पर करेंगे, अभी हम एवरेज प्रॉफिट मेथड ले लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल ले लेते हैं। मान लो एक बिजनेस चल रहा है और उसमें जो प्रॉफिट है वो हमें गिवन है। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हो गया हमें 10,000, सेकंड ईयर हो गया हमें 20,000, थर्ड ईयर हमें लॉस हो गया 10,000 का, फोर्थ ईयर में फिर प्रॉफिट हो गया 15,000 पर 30 लिख लो, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा आसानी होगी, बाकी तो आप कर लोगे। तो ये प्रॉफिट है, लेकिन यहां मैंने इसमें लॉस दिखाया, ये लॉस है। अब मुझे बोला गया है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से इसमें गुडविल निकालो, और बोला गया है नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5 है, 2.5 साल, 2 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। वो आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तो अब मुझे अगर इसमें गुडविल निकालनी है और एवरेज प्रॉफिट मेथड मेरा चल रहा है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले इसमें निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, एवरेज प्रॉफिट आता है टोटल प्रॉफिट ऑफ कितने ईयर है, 4 ईयर में,
अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, तो पहले ईयर का प्रॉफिट जो है वो 10,000 है, सेकंड ईयर का 20,000 है, थर्ड ईयर में लॉस हो गया तो लॉस आप माइनस करोगे ऑब्वियसली, और फिर फोर्थ ईयर में हमने 30,000 का प्रॉफिट हो गया डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये 10 तो 10 कट गया, ये हो गया आपका 50 डिवाइडेड बाय 4 12,500। अब अगर गुडविल मुझे निकालनी है तो गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ता है, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया कितना 12,500 और नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया हमारा 2.5। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो हमें गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट तो चाहिए चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 इयर्स के प्रॉफिट दिए हैं, तो प्रॉफिट कम ज्यादा होते रहते हैं। ऐसा तो है नहीं, जो मैंने एग्जांपल आपको समझाया कि 4 ईयर का अनुअल प्रॉफिट है और 6 लाख हमने कमाया तो 6 लाख का एवरेज प्रॉफिट है, तो हर साल उतना ही होगा, ऐसा तो होता नहीं है, कभी भी 5 भी हो सकता है, कभी 7 भी हो सकता है। तो हम एक एवरेज ले लेते हैं गुडविल के लिए, एक एवरेज। ठीक है, तो ये इस टाइप से होगा, तो आप समझ गए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ए एंड बी दो पार्टनर हैं, 3:2 का रेशियो है और गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है। गुडविल विल बी वैल्यूएड एट 2 ईयर्स ऑफ परचेज। ऑफ 3 ईयर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसके अलावा दिया हुआ है हमें 2018 का प्रॉफिट 30,000, लेकिन साथ में कुछ एडजस्टमेंट भी दिए, डेबिट लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000, 2019 लॉस 80,000 आफ्टर रिटायरमेंट अमाउंट डेबिट फॉर रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। 2020 प्रॉफिट 1,10,000 और इसमें इंक्लूड है इसमें गेन प्रॉफिट 30,000 ऑन सेल्स ऑफ असेट्स। ठीक है, तो हमें जो प्रॉफिट दिए हुए हैं ये कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद जो आता है प्रॉफिट वो गिवन है, हमें एक्चुअल में जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया वो हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ वो हमें एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस जो है वो नहीं गिवन है, ये 7 पे एडजस्टमेंट होने के बाद हमें ये दिए हुए, तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। ठीक है, जो फर्म ने कमाया है, क्योंकि इसमें जैसे कि लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ये हर साल तो होगी नहीं, मतलब हर साल आपका लॉस तो हो नहीं सकता स्टॉक का कि आपसे आपका स्टॉक हर साल खराब हो रहा है, ये क्या होता है एबनॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो इनको आप नहीं लेते,
ये ध्यान रख लेना कि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, यानी कि जो अचानक होते हैं और जो कभी कभी होते हैं बाई चांस, उन्हें हमें कभी भी नहीं लेना पड़ता गुडविल निकालते समय। ये आप नोट कर लो अच्छे से, गुडविल की वैल्यूएशन में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन को हमें शामिल नहीं करना होता, तो इन्हें आपको हटाना पड़ेगा। तो इन्हें हटाने के लिए आपको एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो 2018 का ले लेते हैं, प्रॉफिट हुआ है हमें 30,000 का, लेकिन ये तब हुआ है जब हमने इसमें एक लॉस हुआ था, जो हमें स्टॉक का, आग से हमारा स्टॉक जल गया था 40,000 का, वो डेबिट करने के बाद, डेबिट मतलब माइनस करने के बाद, यानी कि उस साल फिर हमें प्रॉफिट हुआ कितना होगा, 40,000 का अगर हमने लॉस माइनस किया और तब हमारे पास 30,000 आया है, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ होगा? सिंपल सी बात है, 70,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, 40,000 का हमने लॉस माइनस कर दिया तो 30,000 हमारा आ गया। तो अब हमें वापस एड बैक करना है, यानी कि हमें जो एक्चुअल में हुआ था वो निकालना है, तो वो कितना आया? 70,000। 2019 में चलते हैं, यहां हमें एक लॉस हुआ है 80,000 का, लेकिन ये लॉस 80,000 का हमें तब हुआ है जब हमने एक रिटायरमेंट कंपनसेशन की पेमेंट की 1,10,000 की। ये भी हमें हर साल नहीं देना होता, रिटायरमेंट भी तो बहुत टाइम पीरियड के बाद होता है ना, तो ये 1,10,000 की हमने अगर पेमेंट की, उसके बाद हमें 80,000 का लॉस आ रहा है, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ होगा? हमें प्रॉफिट हुआ होगा 30,000 का, क्योंकि जब 30,000 में से आप 1,10,000, 30,000 में से 1,10,000 माइनस करोगे तो 80,000 माइनस का आएगा। तो वापस एड बैक करते हैं, ये लॉस है तो माइनस में लिख लो, प्लस 1,10,000 जो आपने पे कर दिए, यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ होगा उस साल 30,000 का। ठीक है, 2020 पे आते हैं, इस साल हमें प्रॉफिट हुआ है 1,10,000 का, प्लस में लेंगे प्रॉफिट, लेकिन ये प्रॉफिट हमें तब हुआ है जब हमने कोई असेट्स बेच के 30,000 जो हमने कमाए थे वो इस प्रॉफिट में ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये हर साल तो हम असेट्स बेचेंगे नहीं ना, असेट्स तो कभी कभी बिकती है या कभी कभी बाई चांस में बेचनी पड़ती है, तो इसको हमें इसमें से हटाना पड़ेगा। तो 1,10,000 में से ये 30,000 जो हमने ऐड किए थे ये हटाओ, यानी कि हमें उस साल 80,000 रुपए एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये तीन हमारे प्रॉफिट आ गए जो हमें एक्चुअल में उस साल हुए थे। अब इन तीन प्रॉफिट से हम क्या निकालेंगे? नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तो आ गया हमारा एडजस्टेड, अब हमें क्या निकालना है? नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो इनको ऐड कर लो, एक लाख 80,000 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 1, 2, 3 तीन ईयर का है ना, तो नंबर ऑफ ईयर नीचे आता है, तो 60,000 हमारा आ गया नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। अब हमें निकालनी है गुडविल, तो गुडविल कैसे आएगी? वही एवरेज प्रॉफिट जो भी आया उसे नंबर ऑफ ईयर परचेस से इनटू कर दो, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट जो भी हमारा आया है उसे नंबर ऑफ ईयर परचेस से इनटू कर दो, तो ये हमारा 60,000 आया है, और ये हमारा ईयर कितने की है? 2 ईयर और परचेस, यानी कि 1,20,000 रुपए हमारे गुडविल फाइंड आउट हो गए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, यानी कि हमें उनमें से एक्चुअल प्रॉफिट जो हमें हुआ है वो निकालना पड़ता है, उसके बाद आप एवरेज निकालोगे और फिर गुडविल तो आप निकाल लोगे। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड भी काफी इजी है, फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया था कि एवरेज में से नॉर्मल माइनस करो, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आने के बाद उसे नंबर ऑफ ईयर परचेस से इनटू कर देंगे। बट हम नेक्स्ट वीडियो में सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड जो है उसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियोस आपको सपोर्ट करती हैं आपके एजुकेशन में, तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, औरों की भी हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है,